नमस्कार दोस्तों, कुंडली भाग्य के अपकमिंग एपिसोड में जहां पूरी तरीका से ऋषभ को अपना खून देता हुआ नजर आता है अर्जुन बोलता हुआ नजर आएगा कि तुझे मैं कुछ नहीं होने दूंगा ऋषभ, तू मेरा भाई है। और वो आके मैं काफ़ी ज़्यादा चिंतित है और अपना खून भी इस तरीका से देता है, ये बोल देता है कि किसी भी तरीका से ऋषभ को कुछ हुआ तो मैं इस हॉस्पिटल में आग लगा दूंगा क्योंकि मुझे मेरा भाई बिल्कुल सही चाहिए। और वो यानी कि अर्जुन दिगम उससे अपना जितना भी खून होता है और भी ज़्यादा डोनेट कर देता है ताकि ऋषभ को किसी भी तरीका की कोई प्रॉब्लम ना हो। उधर बात की जाए तो पूरा जो कि पूरा लूथरा हाउस इस समय गम के सुख में डूबा हुआ है क्योंकि सभी को पता लग जाती है कि ऋषभ के साथ में ये हुआ है। और जैसे ही न्यूज़ पे सब बात फैलती है तुरंत ही सभी घर वाले हॉस्पिटल के लिए रवाना हो जाते हैं। हॉस्पिटल को रवाना होने के बाद में आप लोग समझ ही रहे होंगे कि किस तरीका से लोग हॉस्पिटल इसलिए जा रहे हैं घर वाले ताकि ऋषभ को कोई प्रॉब्लम ना हो। लेकिन वहाँ पर आकर देखते हैं तब पता चलता है कि वाकई में अर्जुन सूर्यवंशी उसको अपना खून दे रहा है। सभी घर वाले काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज नजर आएंगे कि आखिरकार कुछ तो रिलेशन है इस बंदे से, इस शख्स से ज़रूर कोई ना कोई हमारा रिलेशन जरूर रहा है। साथ ही दोस्तों आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि अपकमिंग एपिसोड में काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा जहां पर अर्जुन सूर्यवंशी कहता हुआ नज़र आएगा कि मैं प्रीता से नफरत करता हूं और नफरत करता रहूंगा क्योंकि जो मेरे साथ में प्रीता ने किया है उसे मैं कैसे भूल जाऊं, क्योंकि प्रीता की जो घटना है उसने मैं पूरी तरीके से झंगोर के रख दिया हूँ। आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि आप लोग देख ही रहे हैं कि किस तरीका से बहुत ही चालाकी के साथ में अब अर्जुन खेलेगा एक नया गेम प्रीता के साथ में, क्योंकि वो इसी मकसद से आया है कि किसी भी तरीका से मैं प्रीता को इतना तंग करूं कि प्रीता अपने आपे पर बेबस हो जाए। दोस्तों आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि अपकमिंग एपिसोड में आप लोग देख पाएंगे कि प्रीता और ऋषभ के बीच में और भी दूरियां बढ़ेंगी। साथ ही दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।